टीका में चल रहा था, असिद्धे रीति, असिद्धि दोष दिया नैयायिक ने पूर्व पक्षी के सांख्यों के दो अनुमानों के ऊपर। उक्तानुमान द्वयम् हेत्व सिद्धि दूषण ग्रस्थम इत्यर्थ। कैसे? मूल प्रकृतो प्रमाणाभावात् प्रकृति प्रयुक्तत्वस्य प्रकृतिजन्यत्वस्य असिद्धत्वात्। मूल प्रकृति में ही कोई प्रमाण नहीं, तज्जन्यत्व तत्प्रयुक्तत्व इत्यादि जो तुम हेतु बना रहे हो वही अनुचित हो जाता है, असिद्ध हो जाता है। इसलिए उसने जो अनुमान किया था संसार अनादि ही अनादि कारण प्रकृति प्रयुक्तत्वात् और बुद्धि अचेतना प्रकृति जन्यत्वात्, इन दोनों हेतु प्रकृति से प्रयोग किया है। जिस प्रकृति शब्द को प्रयोग कर रहा है उसे कोई प्रमाण नहीं, यादृश प्रकृति को मान रहा है। प्रकृति शब्द में तो प्रमाण है, प्रकृति शब्द दुनिया में प्रसिद्ध है, अनेकों अर्थों में प्रयोग होता है, यानी यादृश अर्थ में मान रहा है प्रकृति, गुणों की साम्य अवस्था इत्यादि वो स्वतंत्र है, नित्या है वगैरह वो मान्य नहीं है। ननु बुद्धि जन्य कृत्यादि परिणाम वत्वाद इत्यनेन जन्यत्व सिद्ध है। बुद्धि जो है जन्य है, क्यों? कृति आदि परिणाम वाला वाली होने से इत्यनेन जन सिद्धवाद से कारण तो कोई ना कोई होना चाहिए ना, ऐसे कारण क्या होगा? तो इसे बुद्धि ही स्वसमान नित्य कारणवती जन्यत्वाद इत्यनुमानेन बुद्धि कारणतया मूल प्रसिद्ध्यति। जैसे आप नैयायिक दोनों को खोलेगा तो दोनों का हम क्या कहेंगे? आप स्वसमान नित्य कारणवान, स्वसमान कोई सूक्ष्म उससे भी अणुतर अणुतम वाला नित्य कारण मानोगे आप भी नहीं, दुणुक को है, दुणुक कार्य है, जन्य है, ये तो सबको पता है सावयत्वात् महत्प्रमाण के कारण होने के कारण से। लेकिन दुणुक का जो कारण का अनुमान क्या कर गए? दुणुक हम सावयव हम आप बोलते हो कि नहीं, और अवयव क्या है आपने कहा? नित्य है परमाणु। इसलिए आप भी एक तरह से कर रहे हो जन्यभूता जो पहले सिद्ध किया द्रुणुक जन्य है, द्रुणुक सावयव है महत् परिमाण कारणत्वात्, सावयव से जन्य है मैंने द्रुणुकम जन्यम महत् परिमाण कारणत्वात् आपने मनाया। वैसे हम भी बुद्धि जन्य कृत्यादि परिणामवत्वात् जन्य सिद्ध हो गया, अब उसे कोई कारण तो होगा जन्य है तो। जैसे आप दुणुक कारण कौन है पूछने पर परमाणु सिद्ध करते हो नित्य, ऐसे हम भी बुद्धि का कारण महत्व को सिद्ध कर मैंने प्रकृति सिद्ध करेंगे, नित्य प्रकृति को हम सिद्ध कर रहे हैं ये कह रहा है वो। इसे उसने अनुमान कर दिया बुद्धि स्वसमान नित्य कारणवती, नित्य कारणवती है बुद्धि, नित्य कारण कौन है उसका नाम मूल प्रकृति कहते हैं, प्रधान कहते हैं। जन्यत्वाद इति अनुमानेन बुद्धि कारणतया मूल प्रकृति सिद्धति, बुद्धि का कारण रूप में सिद्ध हो जाएगी। इतः कर्तुर्जन्यत्व मनाभावात्, कर्ता को जन्य कर्तु हो, कर्ता से किसी कार्य को जन्य मानने में कोई प्रमाण नहीं है। कि आप क्या मानते हैं? मूल प्रकृति में कर्तृत्व मानते हो और उसी को उपादान कारण भी मानते हो, मैंने अभिनिमित्त उपादान कारण आपके मत में प्रकृति हो गई। हमारे लोक में क्या देखा जाता है? उपान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण करता कुड़ाल है, जो कल्ला कुड़ाल करता है उससे जन्य नहीं है घट, मृतिका से जन्य घट, उपान कारण है वो। शिशु में कैसे घट आएंगे नए लोग? वो भी निमित्त कारण है, पहले आ चुका। उपादान कारण भी नहीं, नहीं उपान कारण नहीं है, उपान तो वीर है, शुक्र शुक्र शोणित है, उनका अवयव है ना, एक भौतिक पदार्थ है ना, वो अलग है, आत्मा अलग है, माता पिता जीव आत्मा हो गए, आत्मा से जन्य नहीं है, वीर और खून से जन्य है। कोई भी बनावे भौतिक कारण है ना, आत्मा कारण नहीं है ना भाई, उर्ण नाभि भी कभी आत्मा है या नहीं? आत्मा से पैदा हुआ क्या? इसके थूक से पैदा हुआ, तो भौतिक चीजों से पैदा हुआ है ना। किसी में भी जाओगे भौतिक कारण ही मिलेगा आपको, आत्मा कारण नहीं मिलेगा कहीं भी किसी कार्य का। इसलिए इनका कहना है कि हमारे नया लोग तो मानेंगे ही नहीं बिल्कुल ही, नहीं एक लोग आत्मा से जन क्या मानते हैं? आत्मा समयकरण किन का है? क्या नौ गुणों का है, बाकी जगत का नहीं, उसके प्रति निमित्त कारण बना रहेगा हमेशा आत्मा करता, आत्मा करती तो मानूंगा और निमित्त कारण रहेगा और साक्षात कार्य का जन का ही बनेगा। इसे सीधे कार्य करते हो जन्यत्वे मानाभावत का आत्म मुक्तावली में,
उसको व्याख्या करे कर्तु मैंने कृत्रिमत पदार्थस्य जन्यत्वे अनित्यत्वे प्रमाणाभावात्। कृत्रिमान जो कर्ता है उस पदार्थ के जन्य होने में मैंने अनित्य होने में कोई प्रमाण नहीं है। कर्तृत्व से कृत्रिमत्व से नित्यत्व व्याप्यत्वात्। कर्तृत्व मैंने कृत्रिमत्व और नित्यत्व का व्याप हुआ करता है। तथा च बुद्धि जन्या कृत्यादि परिमाणवत्वाद इति उक्तानुमानम वृद्ध व्यभिचारी इति भावः। इसे दो दो दोष आ जाएंगे, वृद्ध भी और व्यभिचार दोष भी इति भावः। तथा च नित्याकर्ता आत्मैव न बुद्धिरिति हृदयम्। इसे नित्य कोई कर्ता यदि है वो आत्मा ही हो सकता है, बुद्धि आदि या प्रकृति नहीं हो सकती। कर्तृत्व से नित्यत्व व्याप्यत्व कर्तुर अनाजित प्रतिपादकम न्याय सूत्रम प्रमाणम वाह। और कर्ता के नित्यत्व के व्याप्य होने में जो है कर्ता के अनाजित्व का प्रतिपादक एक न्याय जो सूत्र है हमारे दर्शन का, न्याय दर्शन के जो सूत्र है वो सूत्र दिखा रहे 3.1.25 वीतराग जन्म दर्शनात्। मूल में दिया है, सूत्र दिया है, नंबर भी दिया है, सब दिया है। व्यापक है ना नित्य आकाश में नित्यत्व है लेकिन कर्तृत्व नहीं है, कोई आपत्ति नहीं हमको। हाँ क्या कर्तृत्व व्याप्य है, नित्यत्व का व्याप्य है, इसे कह दिया नित्यत्व का व्याप्य मैं मानूंगा। नित्य आत्मा उसे कर्तृत्व व्याप्य रहेगा, नित्य आकाश भी है और कर्तृत्व नहीं है तो कोई आपत्ति नहीं, व्यापक तो है। जहाँ व्यापक रहेगा व्याप्य में कोई जरूरी नहीं है। अयो गोलक में अग्नि है और धुआं नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये तरह तरह कर्तृत्व तरह तरह नित्यत्व व्याप्य पहले बोला जाता है ना व्याप्ति में, और विपरीत करोगे तो वो क्या कहा जाएगा, समनियत व्याप्ति है ना, ऐसा ही नहीं। यहाँ व्यभिचारी हो जाएगा, नित्यत्व आकाश में कर्तृत्व है नहीं। इसे हमें लेना पड़े यत्र यत्र कर्तृत्व तरह तरह नित्यत्व व्यापक हो जाएगा। अच्छा नित्यत्व का व्याप्य कर्तृत्व हो गया, ये इनका कहना है। वीतो मन नष्ट, क्या नष्ट हो गया जी, राग मिथ्याज्ञान जन्य वासना यस्य। मिथ्याज्ञान जन्य वासना नष्ट हो चुका है जिस व्यक्ति का। तस्य पुरुषस्य जन्मनः संसरणस्य अदर्शनात्। तार्श मुक्त पुरुष के जन्म नहीं देखा गया, अदर्शन अभाव। सरागस्य जनस्यैव जन्म दर्शनात्। सराग जन का ही जन्म देखा गया। तथा च यह कृतिमान सैव बाल्य स्तन्यपाने इटुसानत ज्ञानम विना न प्रवर्तते। इसे वह जो भी कृतिमान है वह अपने बाल्यावस्था में स्तन्यपान आदि में इटुसानत ज्ञान के बिना प्रवर्त नहीं होता, अनाजित दिखा रहे प्रवर्त नहीं होता। और इटुसानत ज्ञान च स्मरणम संस्कार अपेक्षा इष्ट ज्ञान इष्ट शांत का ज्ञान का जो स्मृति है वो संस्कार की अपेक्षा करता है। और संस्कारश्च अनुभव अपेक्षा अनुभवश्च पूर्व जन्म विना न उपपद्यते तदानीम इति पूर्व जन्म सिद्धि ही। तत्रापि प्रथम प्रवृत्ति अनुरोधेन पूर्व जन्म सिद्धि इति जन्म प्रभास्य अनादित्वे सुतराम पुराय पुरुषस्य अनादित्व उत्पत्ति अप्रतियोगित्व अनादि भावस्य अनादिन भाव पदार्थस्य पुरुषस्य नाश संभवत्वा द्वितीयत्व बोध्यम। अनादित्व क्यों, ये अलग व्याख्या है, इसलिए विश्राम जब देते ध्यान देना चाहिए। तथा च इत्यादि कह करके ये अलग बात कर रहे हैं। जन्म दर्शन इति यावत समाप्त हो गया, हेतु की व्याख्या समाप्त हो गई। वो कैसे हुआ, ऐसे कैसे मान लिया अपने वितराग का जन्म नहीं होता, जन्म का वास्तविक कारण क्या है, उसकी फिर व्याख्या शुरू किया। जन्म होता किसका है, रागवान पुरुष का। राग है ये कैसे पता चला आपको, क्योंकि हम बच्चे को देख रहे हैं दूध पीने के लिए, अंदर संस्कार थे ना, ये कहाँ से है संस्कार, पूर्व जन्म मानना पड़ेगा। और पूर्व जन्म में संस्कार कहाँ से आया, उसे पूर्व मानना पड़ेगा। इस तरह से अनादि सिद्ध हो गया। इसे इष्ट सात ज्ञान जब अनादि सिद्ध हुआ तरह ज्ञानवान आत्मा को भी तो अनादि मानना पड़ेगा, तो आत्मा भी अनादि सिद्ध हो गया। इसे अनादित्वात नित्य सिद्ध होगा, लेकिन कब होगा, अनादि वस्तु नित्य कब हो सकता है, जब अनादि भाव पदार्थ होगा। तो कि अनादि अभाव पदार्थ का भी ध्वंस होता है प्राग अभाव का, इसे भाव शब्द जोड़ दिया आगे जाकर के। वही परंपरा दिखा दिया क्रम अनादित्व सिद्धि के लिए, जो कृतिमान है वही बाल्य में स्तन्यपान आदि इष्टांत ज्ञान वाला था, उसके बिना प्रवृत्त नहीं हो सकता था। और इष्ट ज्ञान कहाँ से आ गया उसके अंदर, तब कुमार स्मृति से आई। स्मृति कैसे हो गई, संस्कार की अपेक्षा है। संस्कार कैसे होगा, अनुभव से हुआ। अनुभव कब हुआ था,
अभी तो पैदा ही हुआ है, ताको पूर्व जन्म मानना पड़ेगा। और उस पूर्व जन्म के आरंभ में उसको ये संस्कार आप यही मारोगे, यही बात आएगी क्रम, उससे भी पूर्व जन्म मानना पड़ेगा। इस तरह से तथापुरम इत्यादि करता क्रम से अनाय सिद्ध होगा। तथा प्रथम प्रवृत्ति अनुरोध है ना, पूर्व पूर्व जन्म सिद्धि थी, जन्म प्रवास या अनादित सिद्ध हो गया। उससे क्या हो गया, सुतराम पुरुष से अनादितम अनायासी पुरुष में आदित्य सिद्ध हो गया। उत्पत्ति अप्रतियोगितम, अनायत मैंने उत्पत्ति का अप्रतियोगी होता है। अनादि भाव से अनादि भाव पदार्थ से पुरुष से नाश संभवत नित्यत्वम, ऐसे बोध्यम। तथा च इसलिए जब ऐसा हम कर्तृत्व पुरुष आत्मा में ही मान रहे हैं, कर्तृत्व वाली एक प्रकृति को मानना, उसे कार्य बुद्धि नाम का द्रव्य पदार्थ मानना क्या जरूरत है। आप द्रव्य को अलग, बुद्धि द्रव्य अलग मान रहे हैं, ज्ञान रूपी उसका कार्य अलग मान रहे हैं, और उसकी भी कार्यभूत उपलब्धि अलग मान रहे हैं। तीन माना ना उन्होंने, बुद्धि एक द्रव्य, उसके वृत्ति विषयाकार वृत्ति हो जाना केवल वो ज्ञान है, उस विषय की अनुभूति पर चले जाना अनुव्यवसाय ज्ञान को वो उपलब्धि कहते हैं। इतना मानने की कोई जरूरत नहीं, बुद्धि ज्ञान उपलब्धि सब पर्यायवाची है। इसे करे देखो, तथा च प्रकृति महतत्वादि कल्पने न किम बोल किम प्रयोजन, कहने का अभिप्राय किमपि न इत्यर्थ, कोई प्रयोजन नहीं, व्यर्थ है कल्पना। सांख्य प्रकृतो शब्दम प्रमाणे, तब वो कह दिया क्यों भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमारे प्रकृति में श्रुति प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है, श्रुति स्मृति के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। कहते कौन सी स्मृति, पहले बताओ, गीता सुनो। न च प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तामिति मन्यते, मुक्तावली। प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा ही ये सारे कर्म किया जा रहा है संसार पूरे, लेकिन गुण ही प्रकृते है, गुण ही क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः, चारों तरफ जहाँ कहीं भी जो कुछ भी क्रिया आप देखते क्रियाकलाप, वो सब प्रकृति अपने गुणों के द्वारा ही किया जा रहा है। गुणों का, गुणों के द्वारा कर्म करता है, गुण परिणाम है सारा पूरी क्रियाकलाप जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मूढ़ आत्मा क्या करता है, करता मिति मन्यते, स्पष्ट है उन्हें आत्मा में कर्तृत्व ही नहीं, कर्तृत्व सीधा प्रकृति में बोल रहे हैं श्लोक, तो सीधे शब्दार्थ से लग रहा है प्रकृति कर्तृ है, आत्मा में कर्तृत्व है नहीं, और वे मूढ़ होकर से कर्तृत्व मान बैठा है, ये लग रहा है। इत्यनेन विरोध इति न च वाच्यम, यदि आत्मा में कर्तृत्व मानोगे इस श्लोक के साथ विरोध हो जाएगा, ऐसे सांख्य जब कहता है न च वाच्यम सिद्धांत प्रकृत है मन अदृष्ट, यहाँ प्रकृति शब्द कर तुम्हारो प्रकृति नहीं है, सत्रजतम गुण वो नहीं, किंतु अदृष्ट पुण्य और पाप है ना, आप ये प्रकृति क्या पूछते हैं, इसका स्वभाव क्या है, शरीर कैसा, शरीर को भी कहते हैं प्रकृति नहीं, महाराष्ट्र में तो प्रकृति बोलते हैं, बीमार कैसे, बीमारी पूछे आप प्रकृति कैसा है, मैंने बीमारी ठीक ठाक है, शरीर ठीक है, प्रकृति शब्द तो व्यापक शब्द है, अनेक अर्थों में प्रयोग होता है, इसे अदृष्ट अर्थ प्रकरण कोई आपत्ति नहीं। कि प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है, प्रकृष्ट रूपेण करोति, जो प्रकृष्ट रूपेण करे कार्य को उत्पन्न करे उसका नाम प्रकृति। और जितने भी संसार का मूल कारण कौन है, जीवों का दृष्ट है, जीवों का दृष्ट न हो तो संसार ही नहीं, खत्म, कौन करेगा, ईश्वर क्यों करेगा संसार, वो जीवों के लिए जीवों के अदृष्ट के आधार पर कर रहा है ना, इसे प्रकृति शब्द से अदृष्ट लेने में कोई संशय नहीं है। गुण ही इसे अदृष्ट जन्य इच्छादि भी इत्यर्थ, गुण क्या लूंगा, अदृष्ट के कारण से उत्पन्न होने वाली हमारे आत्मा में क्या होता है, इच्छा होती है, प्रवृत्ति है, प्रयत्न होता है, ज्ञान हो रहा है, स्मृति होती है, इन सब को लेकर फिर हम प्रवृत्त होते हैं। इसे अदृष्ट के मूल प्रकृति कारणभूता, उस कारण से हमारे अंदर इच्छादि उत्पन्न हो जाते हैं, उस इच्छा के कारण से हम कार्य करने लग जाते हैं। अदृष्ट जन्य इच्छादि भी कर्माणि सर्वशः करोति, अयम आत्मा करोति,
ज्ञान अधिष्ठ धर्म अधर्म इच्छा वगैरह उससे उत्पन्न जो गुण है वो इच्छा ज्ञान आदि लोग। तो गुण ही उन्होंने नैयायिकों ने कहा गुण से हम क्या लूंगा, कहते अदृष्ट जनेर इच्छा आदि भी ही कर्ताम एव इत्यस्य तदर्थत्वात् कर्ता अहम एव यही ठीक है। फिर लेकिन फिर ये जो का अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते किसको ये कहाँ से घटाओगे आप, वो टीका में दिखाएंगे कर्ता अहम एव आत्मा उनका निराकरण में बोल रहे हैं ना, ये नैयायिक बोल रहे हैं ना, मैंने आत्मा ही करता है अहम एव ना आत्मा एव करता न तो प्रकृति न तो बुद्धि। अब उसको अहंकार मूड को गया ही नहीं उस तरफ, अभी पूर्वार्ध में बोल दिया केवल सारी बात है, पूर्वार्ध की व्याख्या ही चल रही है तदर्थत्व आदि थी। अब विमूढ़ के लिए घटाएंगे नीचे टीका में आएंगे देखेंगे तत्रैवंशति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः, देखो स्पष्ट है ना गीता, ये भी तो गीता है तत्रैवंशति कर्तारम् आत्मानं, यहाँ समानाधिकरण प्रयोग स्पष्ट बोल रहे हैं इसको कैसे काटोगे, केवलं तु इत्यादि वदता भगवता प्रकटीकृतो अयम उपरिष्टाद आशय इति संक्षेप, अपने आशय को आगे जरा 18वें अध्याय में स्पष्ट किया है, ये 18वें अध्याय का है ये सब अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णंच प्रत्येक विधम है ना, वहाँ पर आया हुआ है 18वें उपसंहार में स्पष्ट कर ही दिया है। इति संक्षेप टीका लौटिए प्रकृते सांख्य मत अर्थ सांख्य मत श्लोकार घटारे प्रकृति मन प्रधान से गुण सदृतम संख्यक कर्तृ क्रियमाणा अनुष्ठीयमाना कर्मा शिवाशिव क्रियात्मका तेषां कर्मणां सर्वशा मैंने सर्वतो भावेन अहंकर्ता इति अहंकारण मूढ़ आत्मा अकर्ता सन् तथा मन्यति इति, ये हो गया सांख्य मत के अनुसार। तदनेन गीतावाक्यन सह प्रकृत्यनंगीकर्तृ नियमित से विरोध इति भाव तन्नैयायिक स्वमतेन तदर्थं कृत्वा समादत्ते प्रकृतेरिति अदृष्टस्य प्रकृतिदं च प्रधान न प्रधान परं किन्तु धर्माधर्माख्य अदृष्ट परम इति भावः, प्रकृतिपदं च न प्रधान परं किन्तु धर्माधर्माख्य अदृष्ट परम इति भावः, प्रकृतेरित्यस्य अर्थं वा अदृष्टस्य इति, गुणैरित्यस्य अर्थं वा अदृष्टजन्यैरिच्छादिभिरिति, कार्यमात्रं प्रति साधारण कारणानि यानि के कार्यमात्र प्रति साधारण कारण कौन कौन है, ईश्वर तज्ञान यत्ने चाह कालो अदृष्टम दिग् प्राग भाव प्रतिबंध का भाव इति अष्टौ तदन्यानि च विशेष कारणानि तैर मिलित्वा क्रियमाणानि यावन्ति कार्याणि भवन्ति तेषां कर्ता अहम् एक एव इति अहंकारेण विमूढ़, सबका कर्ता मैं अकेला हूँ मैं ही एक हूँ ऐसे अहंकार मूढ़ अज्ञान अवच्छिन्न आत्मा मन्यते तद ज्ञानम भ्रम इत्यर्थ वह ज्ञान भ्रम है, मैं ही करता है सोचना गलत है, उपाय कारण चाहिए समय कारण चाहिए निमित्त अन्य भी जो है असमय कारण चाहिए सभी तो हैं और भी ये तो साधन कारण बता दिया, असाधन तो 50 को होते हैं उनको गिना नहीं रहे वो सब विशेष कारण सहित कह दिया बस इतने। तथा च तेन वाक्यन स्वतंत्र कर्तृत्व भाव एव आत्मनि प्रतिपादित, जीवात्मा में स्वतंत्र कर्तृत्व नहीं ये कह रहे हैं, इतना ही कहना है अहंकार उमड़ आत्मा अहंकार से मुड़ क्या होगा मैं स्वतंत्र करता हूँ समझने लग गया, नहीं तुम स्वतंत्र करता ना हो तुम पराधीन हो ईश्वराधीन हो, ईश्वर स्वतंत्र है तुम स्वतंत्र नहीं, कर्तृत्व भाव एवं आत्मनि प्रतिपादित न तो कर्तृत्व सामान्य भाव, देखो कर्तृत्व सामान्य का भाव को हम कथन नहीं करते हैं, कर्तृत्व विशेष जो स्वतंत्र कर्तृत्व है उसके अभाव हम जीवात्मा में मानते हैं तद ज्ञानम भ्रमित, इसलिए वो जो ज्ञान भ्रम था वो दूर हो जाएगा जब निर्णय हो जाए तब। एतादृश अर्थे गमगम गीताया उत्तर वाक्यांतरम वाहा, इस अर्थ को हम जो कर रहे हैं कल्पना अपनी नहीं है ये किंतु उत्तर वाक्य के आधार पर कर रहे हैं, अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णंच पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीर वांग मनोभिर् कर्म यत् प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेतेतसे हेतवः, इत्यनेन पञ्चानां कर्तृत्वं प्रतिपाद्य पांचमी कर्त प्रतिपादन करके तत्रैवंशति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः, ऐसे 18वें अध्याय 16वें श्लोक इत्यनेन आत्मन स्वतंत्र कर्तृत्वं निषिद्धम् इति भगवता श्रीकृष्णेन अयम् आशयः आत्मन कर्तृत्वाशयः प्रकटीकृतः
आत्मा में सामान्य रूप में कर्तृत्व रहता है, लेकिन स्वतंत्र कर्तृत्व जीव में नहीं है, स्वतंत्र कर्तृत्व केवल परमात्मा में। इतना ही आता तात्पर्य। पाठ तो प कर रहा हूँ लेकिन न है। पाठ तो प ही किया था मैंने, प्रकटीकृत इति भाव पुरुषस्यैव कर्तृत्वम् अस्तु, इसलिए पुरुष में ही कर्तृत्व। सांख्य भी बोलेगा ठीक है भाई, पुरुष में हम कर्तृत्व मान लेते हैं, भोक्तृत्व ही कर्तृत्व ही मान। न च कारणत्व भाव कर्तृत्व भाव सहित इति वाच्यम्, लेकिन कारणत्व भाव के बिना कर्तृत्व नहीं आ सकता, फिर तो पुरुष आत्मा को कारण भी मानना पड़ जाएगा जगत के प्रति। इति न च वाच्यम् स्वरूपासिद्ध है, हेतु तुम्हारा स्वरूपासिद्ध है। जरूरी नहीं है कर्तृत्व के लिए कारणत्व भी होना, उपान कारण होना किसी चीज़ का जरूरी नहीं है। एवं कार्य कारण और अभेदात पुरुषस्य नाशापत्तिर इत्यपिन, कार्य रूपेण कार्य का, कार्य रूपेण कारण का नाश, कार्य के नाश के द्वारा कार्य रूपेण कारण का नाश जो कहा था, अरे कार्य कारण अभेद होने के कारण से मानना पड़े, यह भी उनका कहना ठीक नहीं। अभेदत्व माना भाव, सबसे पहले कार्य और कारण में अभेद मानने में कोई प्रमाण नहीं है। इत्यादि युक्ति सत्वेपि, इत्यादि अनेक युक्ति होने पर भी ता ग्रंथ विस्तृत भयात, ग्रंथ के विस्तार के भय से नोक्त इति आशेन, या नहीं कहा गया इस आशय से मूल कारण संक्षेप ये कह दिए थे। काट दिया, अपने सत्कार्य स्थापित हो गया। धर्माधर्माश्रयाध्यक्षो विशेषगुण योगतः प्रवृत्त्याद्यन्वेयम् रजगत्येव सारथिः, अहंकारस्य आश्रयोयम् मनोमात्रस्य गोचरः विपुरबुद्ध्यादि गुणवान्। आत्मा के बारे में कह दिया, आत्मा इसलिए कैसा है, धर्म अधर्म आदि का आश्रय है, वह अध्यक्ष उस प्रत्यक्ष होता है, वो विशेष गुण का योग से, सीधा प्रत्यक्ष नहीं होता आत्मा, विशेष गुणों का योग से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। और अभी इसलिए फिर अनुमान करना ही पड़ेगा, प्रवृत्ति आदि अनुमेयम रथ गत्येव सारथि, प्रवृत्ति आदि के द्वारा जैसे रथ की गति को लेकर सारथी का अनुमान होता है, प्रवृत्ति आदि के द्वारा आत्मा का अनुमान कर लेंगे। अहंकार से आश्रयम, या अहंकार का भी हम जो बोल रहे हैं इसका भी आश्रय आत्मा ही है। मनोमात्र से गोचर हो, मन मात्र का वो विषय होता है, मानस प्रत्यक्ष का विषय होता है। विभुर बुद्धियादि गुणवान, वो आत्मा विभु है और बुद्धियादि नौ विशेष गुण, पांच सामान्य गुण, कुल 14 गुणों वाला आत्मा है। धर्माधर्म आश्रय थी आत्मेति निषेध्यते शरीरस्य तदाश्रयत्वे देहांतरकृत कर्मणां देहांतरेण भोग अनुपपत्तये, शरीरस्य तदाश्रयत्वे शरीर को उसका आश्रय मानने में और देहांतरकृत कर्मों का देहांतर भोग की उप अनुपपत्ति हो जाएगी, से शरीर जो धर्माधर्म का आश्रय नहीं हो सकता। विशेष गुण योगते इति, योग विशेष योग्य विशेष गुणस्य कौन है, वो ज्ञान सुखादेह संबंधेन आत्मन प्रत्यक्षत्वं संभवति न तु अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं। अहम जाने अहं करोमि इत्यादि प्रतीत है, ये प्रतीति के आधार पर भी हम आत्मा की सिद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार से 49वें कारिका का पूरा हो गया, पहले यहाँ तक की टीका भी पूरा करी, तब आगे बढ़ते हैं। मूले धर्माधर्माश्रय थी आत्मा धर्मस्य अधर्मस्य च आश्रय समवायन अधिकरण इत्यर्थ, सच विशेष गुणानां योगतः मैंने संबंधतः अध्यक्ष मैंने मानस प्रति विषय भवती इत्यर्थ, अयम मैंने आत्मा परिशरीरे प्रवृत्त्या शरीरस्थ गमनादि क्रिया अनुकूल प्रयत्न अनुमेय अनुमिति विषय भवती, स्वशरीर में नहीं पर शरीर में पहले देखना पड़ेगा, फिर अपने शरीर में भी होती हुई क्रिया का दृष्टांत बना लो। उस समय में जैसे मैं अपने शरीर से कोई कार्य कर रहा हूँ, मेरे प्रयत्न जन्य है, वो मेरे संकल्प जन्य है, यथा तथा उसके भी है, अतः उसमें भी एक आत्मा है पृथक, ये सिद्ध हो जाएगा। अनुमानम अग्रे दर्शिष्यते, अनुमान आगे विस्तार से बताएंगे। यथा रथस्था गत्या सारथी अनुमिति विषय भवति इति अनुमान अग्रे बोध्याम, जैसे रथ की गति से सारथी का अनुमान होता है, उसे आत्मा का अनुमान प्रवृत्ति से होता है, बात आगे स्पष्ट जाने जाएंगे। अयम मने आत्मा अहंकार से अहमिति प्रत्यय आश्रय विषय भवति, उसका उस तार्श ज्ञान का भी आश्रय होता है और विषय हो विषय भवति आत्मा तार्श अहम इत्याग प्रत्यय का विषय हो जाता है। मैं अहम बोध्य कौन है, अहम गच्छामि में अहम बोध्य आत्मा ही है। मन इंद्रिय मात्र से गोचर प्रत्यक्ष विषय भवती, व्यू मने व्यापक भवती, बुद्धि आदि देखो
चतुर्दश गुणवाश्य भवति, 14 गुण का दिए। मुक्तावल्याम शरीर से धर्माधर्म आश्रित दूषण माह शरीर से, यदि कोई कहे शरीर को धर्माधर्म का आश्रय मान लो, क्योंकि आदमी जब बहुत पुण्य कर लेता है बड़ा शरीर तेजस्वी हो जाता है, और पाप करके आया तो मुख मुरझा हुआ रहता है, पीला पड़ जाता है, कालापन पड़ जाता है। कहते तद आश्रित्व धर्माधर्म आश्रयत्व देहांतरीकृतानी कर्म कर्माणी यही तेषाम, देहांतर में कृत जो कर्म है उसके द्वारा, जिनके द्वारा वे जो है देहांतर विच्छेद उत्पत्ति कर्मजन्य अदृष्ट वताम इति यावत, यानी देहांतर रूपी अवच्छेद को लेकर के वहाँ में किया गया उत्पत्ति का कर्मजन्य अदृष्ट आदि है वो भोग के बिना नष्ट हो जाएंगे, मान कृत प्रणाश अकृताभ्यागम दोष आ जाएगा देह को मानोगे तो। ध्यान ध्यान्तर अवच्छेदन भोग अनुपत्य है तत् फल सुख दुख अनुभव न सियाद, इस शरीर में उसके फल सुख दुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। विशेष गुण से अदृष्ट से संबंध देना आत्मन प्रत्यक्ष भावात, अदृष्ट के संबंध से आप तक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। विशेष गुण पदार्थम वाह, इसे विशेष गुण कौन लेंगे हम, योग्य जो विशेष गुण है ज्ञान आदि उनके ही माध्यम से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। योग्य मैंने मानस प्रत्यक्ष ये आत्मन विशेष गुणा ज्ञान स्कृति इच्छा द्वेष प्रयत्न तेषाम संबंधे रहो, ये छह रह जाते हैं नौ में से, धर्म अधर्म और संस्कार, ये तीन चीज अदृष्ट है वो आपके लिए अदर्शनीय है। इसे योग्य मानस पर योग्य ये पांच छह हो गया, ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, तेषाम संबंधेन समवायेन समवायावच्छिन्न प्रकारतया इति यावत्, आत्मन मानस प्रत्यक्ष समानस प्रत्यक्ष हो जाता है, न तो अन्यथा मन ही तो सारा प्रत्यक्ष करेगा, मन से सबका प्रत्यक्ष मन ही सबको कर रहा है। विशेष गुण संबंध बिना तो मानस प्रत्यक्ष भवती, न तो अन्यथा मैंने विशेष गुण संबंध के बिना मानस प्रत्यक्ष का विषय आत्मा नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष प्रतीति आकार दर्शेती, प्रत्यक्ष प्रतीति का आकार क्या है, अहम जाने अहम करोमि इत्यादि, ज्ञानवान अहम इत्यर्थ क्रियावान अहम ऐसा अर्थ हो जाएगा, अहम सुखी अहम दुखी अहम इच्छामि अहम द्वेष्मि अहम प्रयते अहम करोमि इत्यादि प्रतीति, तत्गुणनिष्ठ प्रकारता निर्विध समवायावच्छिन्न निष्ठ विशेषता भवति, विशेषता का भवति सैष प्रत्यक्षात्मिका, वही वही जो है सैव प्रत्यक्षात्मिका, तत्र विशेषता आत्मा विषय भवति, तार विशेषतया विशेषता का विशेष विशेषतया विशेष रूपेण वह आत्मा ही वास्तव में विषय हुआ करते ज्ञानों में इति भाव। अंतिम कारिका कले रे अयम आत्मा परदेहादो प्रवृत्तियादिना अनुमियते, यस आत्मा का परदेहादि में प्रवृत्तियादि को देख करके अनुमान किया जाता है, प्रवृत्तिरत्र चेष्टा ज्ञान इच्छा यत्नादीनाम देहे अभावस्य उक्त प्रायत्वाच्च, क्योंकि ज्ञान इच्छा यत्नादि देह में तो होते नहीं ये लगभग हम कई प्रकार से विचार करते बोल चुके हैं। चेष्टायाश्च प्रयत्न साध्यत्वात्, और चेष्टा शरीर में दिखती है और चेष्टा जो है प्रयत्न साध्य है, अतएव साक्षात कहते आत्मसाध्य, चेष्टया प्रयत्नवान आत्मा अनुमियते इति भाव, इस चेष्टा के माध्यम से प्रयत्न वाला आत्मा का उसमें अनुमान कर लेते हैं। अत्र दृष्टान्त रथेति, यदि भी रथकर्म चेष्टा न भवति, रथगत व्यापार जो है वास्तविक चेष्टा नहीं है, तथापि तेन कर्मणा सारथिरिथान विधि, उस क्रिया को देख करके सारथि के जिस प्रकार से अनुमान किया जाए, तथा चेष्टात्म केन कर्मणा चेष्टात्म कर्म से परमात्मा अनुमीयत, परात्मा अनुमीयत इति भाव। अहंकार से अहंकारोहम यदि प्रत्यय तस्य आश्रय मन विषय आत्मा न शरीरादि इति भाव, मन इति मनोभिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषय मानस प्रत्यक्ष विषयश्च इत्यर्थ, मन भिन्न इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष का अविषय होता हुआ मानस प्रत्यक्ष विषय आत्मा हुआ करता है। रूपादि अभावेर इंद्रियांतर योग्यत्वात्, रूपादि का अभाव होने से वो इंद्रियांतर योग्य नहीं है। विभो विभुत्वम परमहत् परिमाणवत्तम तच्च पूर्वमुक्तमपि स्पष्टार्थमुक्तम, पूर्व में कह चुके थे, पूर्व मैंने पहले कारिका संख्या 32 पृष्ठ संख्या 105 में पहले विचार हो चुका है। बुद्धि आदि थी बुद्धि सुख दुख की इच्छा आदि चतुर्दश गुणा
पूर्व मुक्ता वेदितव्या ऐसे निश्चय कर लेनी चाहिए। टीका अयमिति आत्मा परदेहादो मैंने पर शरीर प्रवृत्ति जन चेष्टया अनुमीयते अनुमानम परकीय शरीरम अवच्छेदता संबंधेन प्रयत्नवत् चेष्टावत्वात् मत् शरीरवदिति। परकीय शरीर कैसा है? अवच्छेदता संबंध से निश्चित रूपेण प्रयत्न वाला है। क्यों? चेष्टा हम उसमें देख रहे हैं मेरे अपना शरीर के समान। अत्र यह प्रवृत्ति आश्रय सच्चेत्र सिद्ध हो, जो प्रवृत्ति का आश्रय वह अवश्य चेतन है कि प्रयत्न होने के कारण से। परदे आदौ इत्यत्र आदि न वीणा आदि परिग्रह अनुमानंदो परकी वीणा तंत्री स्वप्रयोज्य विघाताख्य संयोग संबंधेन प्रयत्नवती अवच्छेदता संबंधेन पंचमादि स्वरवत्वात् आत्म अस्मदीय तालवोष्टादिवत इति। हमारे मुख में जो तालवोष्ट संयोग से हम शब्दों को उत्पन्न करते हैं, ऐसे कोई प्रयत्नवान पुरुष के द्वारा ही उन तारों को हिला करके वहाँ से शब्दों को पैदा किया गया है। हमेशा अवच्छेद जो भी उपाधि तो अवच्छेदक होता ही है ना। सारी उपाधि क्या है? अवच्छेदक होते हैं। आपकी आत्मा कहाँ है? शरीरावच्छेद है ना, तो शरीरावच्छेदकता संबंधी नहीं हम आत्मा को निश्चय कर पाते। वो बिना अवच्छेदक है ना, वो अवच्छेदक बन गया। उस अवच्छेदक में शब्द उत्पन्न कौन करेगा? उन तारों को कौन हिलाएगा? कोई प्रयत्नवान आदमी। वो प्रयत्नवान ही आत्मा है, इसे आत्मा अभी सिद्ध हो गया पर की शरीर। अत्रापि प्रयत्नवान आत्मा सिद्ध इति भाव, देखो यहाँ भी एक प्रयत्नवान आत्मा है यही सिद्ध होता है। प्रवृत्ति है शरीरे अभावात् तदर्थम वाह प्रवृत्तिरत्र चेष्टा। शरीर में वास्तविक प्रवृत्ति तो होती नहीं है, तक इस बात सीखा प्रवृत्ति से हम या क्या लेंगे? चेष्टार्थी ले लेंगे। और चेष्टा च हिताहित प्राप्ति परिहार अनुकूला क्रिया, हित और अहित के प्राप्ति या परिहार अनुकूल क्रिया का नाम चेष्टा होती है। हाँ, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट का परिहार ये लेना पड़ता है। उक्त प्रयत्न यदि शरीर से न चैतन्य मृतेश विचारत यदि चार्वाक मत खंडन काले साई तत्व इच्छादिनाम अभाव से कंठ तो अनुक्तिश्च प्राय पदम। सर्वत्र सारी बातें कंठ तो नहीं कहा गया, इसे प्राय उक्त है कह दिया। चेष्टाया प्रवृत्ति ज्ञान जनकत्व कार्यकारण भाव माह चेष्टयश्च इत्यादि। प्रयत्न कार्यम चेष्टा भवती कार्येण चेष्टया प्रयत्न से अनुमानात् तथा अनुमान क्या होगा? परकीय शरीरम आत्माधिष्ठितम तद्गुण प्रयत्नवत्वात् आत्मगुण प्रयत्न वाला होने से इत्यनुमानेन आत्मसिद्धिति भावार्थः। रतः प्रयत्नवत् सारत्यधिष्ठितः अनुकूल क्रियावत्वात् इत्यनुमानम्। इसके पहले हम दृष्टांत बनाएंगे ना, पहले दृष्टांत में सिद्ध करेंगे इस अनुमान के द्वारा और दृष्टांत में घटा लिया उसको। यदि चेष्टा वत्वादि हेतु हो क्रियत सस्वरूप सिद्ध, केवल चेष्टावत्व जैसे हम कर देते स्वरूप सिद्ध हो जाता कि रथ में चेष्टा होती नहीं। इत्याह यद्यपि रथगमन से हिताहित प्राप्ति परिहार अनुकूल क्रिया तो चेष्टा अनात्मकत्वात् रथे पक्षे चेष्टावत्व स्वरूप सिद्धम स्यात् ततः अतः प्रवृत्ति पदम लक्षणया प्रवृत्ति जन्य गमनात्मक क्रिया परम बोध्य तथा च तेन 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 अलग हो गया है तेन गत्यात्मकेन रक्तर्थकर्मणा। उस गत्यात्मक रथकर्म के द्वारा सारथिर अनुमेय सारथि अनुमान होता है। सच दृष्टांत योजने और अनुमित उस सारथि को दृष्टांत बना देंगे। इत्या तथा चेष्टात्मक नेति अनुमानम पूर्वोक्तम अनुमान भी बता चुके हैं। अहंकार यदि अहम यदि प्रत्येतेर विषय आत्मा न शरीरेन्द्रिय मनोविज्ञानाधिरित्यर्थः। मनोभिन्नेति मनोभिन्नानि यानि चक्षुरादीनि इंद्रियाणि तज्जन्य प्रत्यक्ष निर्मित लौकिक विषयता शून्यत्व सति मानसत्वावच्छ निर्मित लौकिक विषयतावान इत्यर्थः। मनोभिन्न जो चक्षुरादि इंद्रिया है तज्जन्य प्रत्यक्ष निर्मित लौकिक विषयता से शून्य होते हुए मानसत्वाचिन्ह निर्मित लौकिक प्रत्यक्ष है उसी का विषय होता है आत्मा। ननु कथम चक्षुरादि न गृह्यते अतः रूपाद्य भाव रूप स्पर्शाद्य भावेन चाक्षुत्वाच आदि प्रत्यक्ष विषय न भवति।
चाक्षुवादि प्रत्यक्षे रूपादिनं संवायादिन कारणत्व इति भावः स्पष्ट है। ननु प्रत्यक्षे विभुत्वस्य अकारणत्वात् आत्मनु प्रत्यक्षं न स्यात्। प्रत्यक्ष में विभुत्व कभी कारण नहीं होता, विभुत्वस्य अकारणत्वात् मध्यम परिमाण चाहिए। विभु परिमाण का प्रत्यक्ष होता नहीं, फिर आत्म प्रत्यक्ष कैसे आप कह रहे हो? आत्म प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। स्याति आकांक्षा विभुत्व स्फुटयति, विभुत्व का अर्थ कर रहे विभुत्वम इति। विभु शब्दस्य परम महत् परिमाणे लक्षण बोध्य साचात्रार्थो ग्राह्य। वो शब्द को परम महत् परिमाण में लक्षणा से ग्रहण करूँगा, सचात्र अर्थोपग्राह्य वही अर्थ यहाँ ग्रहण करना है। समवाय न परम महत् परिमाण वत्तम इति तदर्थ, यह अर्थ हो जाए। क्यों चाक्षु त्वाचादि क्या पढ़ रहे हो? चाक्षुष त्वाच, चाक्षत्व नहीं, दूर नहीं है, आप चाक्षत्व ले रहे हो और चादी बोल रहे हो, ये कर रहे हो गड़बड़ आप कर रहे हैं। चाक्षुष त्वाच आदि मैंने श्रोत्र वगैरह, अथवा विभुत्व व्यापकत्वम अर्थ कर दो, अत्यंत अभाव अप्रतियोगित्व इति बोध्य। व्यापकत्व मतलब अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी होना। ननु कालखात्मादीनां सर्वगतत्वं परम महत्ति कारिकया उक्तस्य त्रिवुक्ति पुनरुक्ति अतः। अभी तो आपने सारी बात कही थी, दोबारा यहाँ कह रहे हो तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। तच्च पुरमुक्तमपि स्पष्टार्थ में दोबारा कहो आत्मा के बारे में, परमाणवत्तम पुरमुक्तम तदेव अत्र स्मर्तव्यमिति आशय, अतो न पुनरुक्ति भाव, अथवा झटिति तद उपस्थित्यर्थम पुनरुक्ति न दोषा इति बोध्य। क्योंकि ये आजकल के जो है विद्यार्थी भूलने की आदत वाले होते हैं, उनका झटिति स्मरण कराने के लिए दोबारा संक्षेप में कह दिया जाता है। आत्मनश्चतुर्दश गुणाः नामना, क्या क्या है वो नाम से बता रहे, एक एक का नाम गिना रहे। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग चतुर्दश बोध्या इत्यर्थ। ये भी पहले गिना चुके, तेज पूर्व बोध्यादिषटकम संख्यादि पंचकम भावना तथा धर्माधरो गुणाश्चैते आत्मनश्चतुर्दशो इति 32वीं कारिकया उक्ता उक्त है 105 पृष्ठ में।